हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ स्पीच, यानी कि हम किस तरह से अपना जो स्पीच है वो लिख सकते हैं। तो ये जो क्लास 12 है, क्लास 12 के अंदर आता है, जनरली 7 नंबर का ये आता है और 100 वर्ड्स के अंदर हमें इसको लिखना होता है। तो इन पूरे जो 100 वर्ड्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि पूरा सही लिख सकें, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा, अगर आप उनको भी लिखकर आते हैं तो 30-40% मार्क्स आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर जो बताई गई चीज़ें हैं उनको भी केवल अगर लिख के आओगे तब भी, यानी कि आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अगर ये भी लिख लेते हो तब भी आपके इतने मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तो आपके आसानी से आ जाएंगे। तो इन मार्क्स को लेने के लिए पूरा वीडियो देखें, और अगर इस वीडियो के अंदर जो और चीज़ें भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो 100% मार्क्स भी आ जाएंगे। तो देखते हैं इन सबको कि जब भी हम कोई स्पीच यानी कि भाषण लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक हेडिंग होती है जिसको लिखते हैं हम सेंटर के अंदर, बीचों बीच हम लिखेंगे उसको सेंटर के अंदर, और उसको हम लिखेंगे हेडिंग। और ये हेडिंग जो है वो एग्ज़ाम के अंदर यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दिया जाएगा, तो हमें इसको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है माइंड पर, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो हमें दूसरी जगह से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब हेडिंग लिख देंगे तो उसके बाद अब शुरू होता है हमारा कंटेंट। अब कंटेंट में हमें क्या क्या लिखना होता है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, स्टेप्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अंदर अभिवादन, इसको बोलेंगे अभिवादन। तो अभिवादन किनका करना है, तो अभिवादन हम जो करेंगे वो हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो ज्यूरी के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, इन सब के, तो अभिवादन के अंदर हम बोलेंगे जैसे गुड मॉर्निंग है, इस तरह से गुड मॉर्निंग बोल दिया, या इसके अगर नून है तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग बोल देंगे, लेकिन ये अभिवादन के अंदर आएगा। सेकंड जो स्टेप है वो है एड्रेसिंग। एड्रेस करेंगे हमारे जो सामने बैठे हुए हैं उनको, तो वहाँ पर मोस्टली जो सबसे पहले है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद टीचर्स, और टीचर्स के बाद सामने अगर कोई जो भैया बहन बैठे हुए हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, तो ये हम एड्रेसिंग में आ जाएगा। ये सब एक एक लाइन के हैं, वन लाइन, ये वन लाइन। और इसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय, तो खुद का परिचय देने के लिए भी हम एक लाइन मैक्सिमम 2 लाइन लिख देंगे कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, और मैं कक्षा 12 से बिलोंग करता हूँ। और इसके बाद थर्ड स्टेप यानी कि एक एक लाइन हो रही है तो 4-5 लाइन आपकी हो जाएगी। थैंक्स टू इन्विटर्स, इन्विटर्स का मतलब है यहाँ पर जिसने आपको निमंत्रित किया है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। तो मोस्टली हमें वहाँ पर निमंत्रण प्रिंसिपल ही देंगे, तो हम लिखेंगे थैंक्स टू प्रिंसिपल सर हु इन्वाइट्स, यानी जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है यहाँ पर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और आखिर के अंदर हमें टॉपिक इंट्रोडक्शन, तुम्हारा जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले तो उसका इंट्रो करना है, उसके बाद अगर वो चीज़ ऐसी जिसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बोलना है, अगर उससे हमें फ़ायदे हैं तो उसके जितने भी गुडनेसेस हैं यानी कि कितनी अच्छाइयाँ उसमें, और इसके अलावा उससे हमें कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हमें 2 या 3 लाइन के अंदर हमें देना है, ज़्यादा नहीं है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इसका कंक्लूजन लिखना है इसी के अंदर टॉपिक इंट्रोडक्शन में, कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो हमें इसे ऐसा करना चाहिए, और अगर गलत चीज़ है तो नहीं करना चाहिए। या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे चाइल्ड लेबर है और टोबैको है, तो इन चीज़ों को खुद नहीं कर सकते, जैसे स्कूल के पास में अगर शराब की दुकान है तो उसको हम खुद बंद नहीं करवा सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट को इनके बच्चों के हित को देखते हुए ऐसा इनको सबको बैन कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद सबको धन्यवाद देना है, थैंक्स टू ऑल, वो धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक जो सुना उसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। इस तरह से हमारा स्पीच कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इनको किस तरह से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कि फॉर्मेट किस तरह से होगा इस स्पीच का। तो इस तरह से हमारी अगर जब कॉपी होगी ये वाली, तो इस कॉपी के बीचों बीच यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग जो कि क्वेश्चन के अंदर से दिया जाएगा। क्वेश्चन में से देखना है और ये हेडिंग लिख देना है। इसके बाद हमें शुरू करना है पहली लाइन जो यहाँ पर है, हेडिंग और टॉपिक, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा पहली लाइन। अब कंटेंट में आते हैं। तो कंटेंट में हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग में हम लिखेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा कि सबको सुबह सुबह का नमस्कार। अब किस किस को? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, इनको, और इसके बाद टीचर्स एंड वन एंड ऑल। ये जो वन एंड ऑल है ये एक फ्रेज है और इसका मतलब जो होता है वो होता है सारे के सारे। इसका मतलब है सारे के सारे, सारे के सारे जो मतलब है इसका यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको। तो अगर हम चाहें तो इसका इस्तेमाल करें और नहीं तो नहीं करें। लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर हमें इतना ही याद है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, प्रिंसिपल सर भी हैं, टीचर्स भी हैं और सरपंच भी बैठा हुआ है, अगर और भी कोई अधिकारी है हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम यही बोलेंगे वन एंड ऑल, यानी कि यहाँ पर जो मुझे पता था इनके और इनके अलावा सारे के सारे जितने भी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। या फिर अगर ये याद नहीं रहता है कि मुझे पहले किसको बोलना है, कन्फ्यूज़ हो जाओ कि पहले टीचर्स को बोलूँ या प्रिंसिपल को बोलूँ, हालांकि कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो इस पूरी जो लाइन है प्रिंसिपल सर से लेकर टीचर्स इनको ख़त्म कर दो, डायरेक्ट लिखो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। तो इस तरह से हमारी एक ग्रीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और एड्रेसिंग भी इसी में आ गया, एड्रेस कर रहे हैं हम इन सबको। ग्रीटिंग तो हो गया, गुड मॉर्निंग और एड्रेसिंग, एंड इन सबको एड्रेस कर रहे हैं, प्रिंसिपल को, टीचर्स को और जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हैं। तो ये दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे सबसे पहले माय नेम इज़, अब यहाँ पर जगह खाली है, इसका मतलब आपका नाम डालना है, या फिर जो पेपर के अंदर हमें दिया गया है वो नाम इसके अंदर डाल देना है। तो जो भी नाम दिया हो, जैसे आपका नाम राजू है तो यहाँ पर लिख देंगे माय नेम इज राजू, या फिर अगर और कोई नाम है जैसे राम स्वरूप है तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम स्वरूप, जो भी नाम हो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे लिखेंगे एंड आई रीड इन क्लास 12th, और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। इस रीड की जगह हम स्टडी भी लिख सकते हैं कि मैं कक्षा 12 में स्टडी करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यानी कि सबसे पहले हम सेल्फ इसी में चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, अब ये जो लाइन है इसमें हम इसमें आगे थैंक्स टू इन्विटर्स, अब देंगे हम धन्यवाद किसको करेंगे, इन्विटर्स, इन्विटर्स यानी जिसने आपको निमंत्रित किया है, तो यानी निमंत्रण देने वाला जो भी है उसको हम धन्यवाद देंगे। तो जनरली हमारे इन्विटर्स हैं वो होते हैं प्रिंसिपल सर या टीचर्स, तो हम उन्हीं को थैंक देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर टू गिव मी अ चांस टू एक्सप्रेस माई व्यूज इन फ्रंट यू ऑन द टॉपिक, और फिर यहाँ पर टॉपिक का नाम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये सभी के अंदर आपके आएगी, और इसका हिंदी अर्थ होगा कि सबसे पहले मैं पसंद करूँगा धन्यवाद देना प्रिंसिपल सर को, और टू गिव मी अ चांस, जिन्होंने मुझे चांस दिया, एक अवसर दिया, चांस है ना अवसर, तो इन्होंने मुझे अवसर दिया टू एक्सप्रेस, यहाँ पर एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का मतलब होगा बताने का कि मेरे रखने, विचार रखना, तो हमें मुझे विचार रखने का अवसर दिया व्यूजे ने मेरे विचार, तो यानी मुझे विचार रखने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्रंट ऑफ यू का मतलब आपके समक्ष, ऑन द टॉपिक जो टॉपिक है उसका नाम, और फिर यहाँ पर नाम डाल देंगे। अब हमारे यहाँ तक का जो अगर आप लिख के आते हैं, तो जो मैंने बताया था पहले कि 30% का जुगाड़ यहाँ पर आपके हो चुका है, लेकिन अगर हम इसमें अब आपकी तरफ से इंक्लूड करते हैं तो फिर 100% का जुगाड़ होगा। अब वो क्या इंक्लूड करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन, कि जो हमने जो टॉपिक लिया है स्पीच देने के लिए उसका इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन के मतलब है कि वॉट इज, ये क्या है जिसके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं, वो चीज़ क्या है। इसके लिए हम कोई कहावत से शुरू कर सकते हैं या फिर दो लाइनों में, कि जैसे हम लास्ट टाइम जो आया था एक क्वेश्चन, वो आया था क्लीनिनेस के ऊपर, यानी कि जो मोदी जी ने शुरू किया था क्लीन इंडिया मिशन का, तो उसके ऊपर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, और ये स्वच्छता अभियान है मोदी जी ने शुरू किया था, भारत में शुरू हुआ, वॉट एवर जो इस तरह की बातें हम इसके अंदर हम लिखेंगे, जो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा एक या दो लाइन का, तो इसके बाद हम जो लिखेंगे वो होगा टॉपिक के कॉजेज। कि हमारा अगर टॉपिक ऐसा है जैसे टोबैको के ऊपर लिखा हुआ है, या फिर कोई चाइल्ड लेबर है, या किसी पे बैन लगाने के कारण है, या जैसे कोरोना ही है, अगर कोरोना के ऊपर लिखना हो, इस तरह के स्पीचेस देना हो, तो ये जो सब कोई बीमारी है, महामारी है, तो उसके कॉज लिखना है हमें। कॉज के साथ साथ हमें इफ़ेक्ट्स भी लिखना है कि ये तो कारण है और ये इसके इफ़ेक्ट हैं, असर। इफ़ेक्ट्स का मतलब असर। अब इसके बाद यूजेज, कि अगर टॉपिक कुछ अलग हो, जैसे कोई वस्तु हो, तो वस्तु के ऊपर हम लिख सकते हैं उसके यूजेज क्या क्या हैं। थर्मामीटर के ऊपर लिखना हो कि ये क्या चीज़ है, तो हम उनके यूजेज बता सकते हैं। गुड वर्क्स, अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर लिखना है स्पीच, जैसे गांधी जयंती है, जवाहरलाल नेहरू है, तो हम उनके जो अच्छे कार्य हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर लिखना है हमें कंक्लूज़न, ये भी दो या तीन लाइन का होगा, दो से तीन लाइन्स हमें कंक्लूजन में लिखनी है कि उनके उनके लास्ट में कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई बीमारी है तो इसको नहीं फैलनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, या जैसे बैन लगाना है किसी से, एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस टाइम पे डीजे वगैरह बजाए जा रहे हैं, तो अगर उन पे बैन लगवाना है तो फिर गवर्नमेंट के लिए या जो आम आदमी उसको क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। जब आप ये लिख लोगे तो इसके बाद में लिखना है थैंक्स टू ऑल टू लिसन मी, यानी कि सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आपका जो स्पीच है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण कंप्लीट।